ओम शांति। आज 17 मार्च 2022 की मीठी मुरली। मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें भक्ति की रोचक बातों के बजाय रूहानी बातें सबको सुनानी है। रावण राज्य से मुक्त करने की सेवा करनी है। कर रहे हैं ना सभी यही सेवा? हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए मुख्य कौन सा गुण चाहिए? बाबा उत्तर देते हैं, निरहंकारिता का गुण। महावीर के लिए भी दिखाते हैं, जहां भी सत्संग होता था वहां जुतियों में जाकर बैठता था, क्योंकि उसमें देह अभिमान नहीं था, परंतु इसमें बहादुरी चाहिए। तुम कोई भी ड्रेस पहनकर उन सत्संगों में जाकर सुन सकते हो, गुप्त वेश में जाकर उनकी सेवा करनी चाहिए। इसका गीत है, ओम नमो शिवाय, ओम शांति। यह हुई महिमा ऊंचे ते ऊंचे भगवान की। ईश्वर कहो, परमपिता परमात्मा कहो, सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से पिता नहीं समझा जाता है, इसलिए परमपिता परमात्मा कहना चाहिए। वह रचयिता है इस मनुष्य सृष्टि का। अब ऊंचे ते ऊंचा बाप क्या आकर कहते हैं? कहते हैं कि पतित मनुष्य मुझे बुलाते हैं कि आकर हमको पावन बनाओ। पावन माना पवित्र। पतित पावन भगवान को ही कहा जाता है। बरोबर वह आता है जरूर। भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं तो वह आता भी जरूर है, परंतु वह आएगा तब जब भक्तों को भक्ति का फल देना होगा। फल देना अर्थात वर्षा देना उनके लिए बहुत सहज है। एक सेकंड में जीवन मुक्ति दे सकते हैं। कहते भी है कि जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, वो यही का मिसाल है ना? है हाँ जी बाबा। नाम एक का ही गाया हुआ है, परंतु है सभी के लिए। सेकंड में जीवन मुक्ति अर्थात सुख शांति मिली। मनुष्य कहते भी है कि शांति सुख और बड़ी आयु चाहिए। छोटेपन में कोई मरता है तो कहते हैं अकाले मृत्यु आ गई, पूरी आयु नहीं बिताई। अब बाप जो कुछ करके गए हैं उनका ही गायन है सेकेंड में जीवन मुक्ति, तो जरूर पहले जीवन बंध में होगा। जीवन बंध कलयुग के अंत और जीवन मुक्त सत्युग के आदि को कहा जाता है। कहते हैं जनक मिसल घर गृहस्थ में रहकर जीवन मुक्ति को पाए। बाप समझाते हैं अक्षर ही दो है, राजयोग और ज्ञान। भारत का प्राचीन राजयोग तो मशहूर है। प्राचीन माना पहले पहले, लेकिन कब यह मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। भारत का प्राचीन ज्ञान और योग तो सब चाहते हैं, जिससे भारत स्वर्ग बनता है। अब तो भारत बहुत दुखी है। पहले सूर्यवंशी राज्य था, अब नहीं है। फिर उनको याद करते हैं कि वह राजयोग और ज्ञान किसने दिया था, यह नहीं जानते। नहीं तो बाप से वर्षा लेने में बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं, बाप का बने तो वर्षे के लायक बने। फिर भी माता पिता टीचर की शिक्षा मिलनी होती है। भक्ति का भी मुक्ति का भी वर्षा चाहिए। देखो, किसी को मुक्ति मिलेगी तो किसी को जीवन मुक्ति, मेजोरिटी तो मुक्ति में ही जाएंगे। जीवन मुक्ति तो सत्युग आदि में केवल 9 लाख सोल्स आत्माएं आएंगी देवी देवताओं का पाठ बजाने, बाकियों को तो मुक्ति का वर्षा मिलेगा ना। मुक्ति का वर्षा के लेने के लिए भी गुरु करते हैं लोग, परंतु जीवन मुक्ति तो कभी कोई दे नहीं सकता। जब जीवन बंध का अंत हो, जीवन मुक्ति की आदि हो, तभी फिर जीवन मुक्ति देने वाला आए। मनुष्यों ने सिर्फ सुना है कि सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में रावण राज्य से
राम राज्य पतित से पावन, परंतु कैसे सो नहीं जानते। पाप तुम आत्माओं से बात करते हैं, यह है रूहानी शिक्षा जो सुप्रीम रूह देते हैं। वहां तो सब मनुष्य ही शास्त्र आदि पढ़ते हैं। कहते हैं फलाने महात्मा ने यह ज्ञान दिया। यहाँ है प्राचीन राज्यों और ज्ञान जो परमपिता परमात्मा ने दिया था 5000 वर्ष पहले, जिससे तुम सो देवी देवता बने थे। अब प्रायलोप हो गया है, अगर लोप न हो तो सुनावे कैसे। मनुष्य पतित न बने तो पतित पावन बाप कैसे आए। पतित बनने में 84 जन्म लेने पड़ते हैं, इसका भी सारा विस्तार बाप समझाते हैं, वर्ण भी समझाते हैं। ब्रह्मा चाहिए तो ब्रह्मा का बाप भी चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों का बाप शिव है। अब ब्रह्मा द्वारा बैठ प्राचीन ज्ञान देते हैं, जिससे विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे और ब्राह्मण सो देवता बन जाते हैं। ब्राह्मण धर्म वाले मनुष्य से तो तुम सो देवी देवता धर्म वाले बन रहे हो, ब्राह्मण से ही तो देवता बन रहे ना। हाँ जी बाबा, तो पहले प्रजापिता ब्रह्मा तो चाहिए ना। कृष्ण को तो प्रजापिता नहीं कह सकते, कृष्ण तो छोटा प्रिंस है सत्ययुग का। वो तो सब उल्टी बातें बना दी, खुद ही कंफ्यूज है। कृष्ण को इतनी रानियां हैं, बच्चे आदि थे, यह है भूल। वास्तव में बच्चे है ब्रह्मा को, न कि कृष्ण को। कृष्ण तो राजकुमार है, प्रिंस है। हाँ, जब वो बड़ा होता है, राजगद्दी पर बैठता है, राज्याभिषेक होता है, तो उसका नाम भी तो चेंज हो जाता है, नामकरण हो जाता है नारायण। कृष्ण तो छोटा है, ब्रह्मा ही कृष्ण बनते हैं। बस इस एक जन्म की उथल पाथल ने मनुष्यों को मुंझा दिया है। गीता का भगवान कृष्ण को कहे शिव को उड़ा दिया है। सब कहते हैं ब्रह्मा को तीन मुख थे, कितने मूंझ गए हैं। शिव रचयिता को तो एकदम गुम कर दिया है। रचता ही आकर बताते हैं कि हम कैसे देवी देवता धर्म की रचना करते हैं। ऐसे नहीं परमात्मा सृष्टि कैसे रचते हैं, परमपिता परमात्मा को बुलाते ही है कि हे पतित पावन, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। दुनिया को यह मालूम ही नहीं कि इस समय रावण का राज्य चल रहा है। रावण की बड़ी बड़ी कथाएं बैठ सुनाते हैं। इसको कहा जाता है भक्ति की रोचक बातें, और यह है रूहानी बातें। इस समय सब सीताएं अथवा भक्तियां रावण की कैद में हैं, और रावण राज्य में बहुत दुखी है। अब सबको रावण राज्य से मुक्त कराना है। अब बाप आया है, कहते हैं बच्चे तुम्हारे 84 जन्म अब पूरे हुए, अब वापस चलना है। मुझे ही बुलाते थे कि दुख हरता सुख करता आओ, यह मेरा ही नाम है। कलयुग में है अपार दुख, सत्युग में है अपार सुख। फिर से तुमको सुख का वर्षा दिलाने अर्थ, फिर से तुम्हें राजयोग और ज्ञान सिखला रहा हूं। यह पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। मनुष्य तो विनाश से बहुत डरते हैं, समझते हैं यह आपस में लड़े ही नहीं तो शांति हो जाए। फिर इतने अनेक धर्मों में शांति कैसे होगी। पाप समझाते हैं यह इतने सब धर्म जो अब है वह पहले नहीं थे। जब एक ही धर्म था तब बरोबर सुख शांति का राज्य था। अब सब मांगते हैं मन को शांति कैसे मिले। अरे मन क्या चीज है, पहले इनको तो समझो। आत्मा में ही मन बुद्धि है। मनुष्य की जबान बोलती है,
आंख देखती है, टोटल मिलाकर कहते हैं मनुष्य दुखी है। किसको भी समझाना बड़ा सहज है, ज्ञान तो कितना इजी है ना, फिर उस पर चलना, प्रैक्टिकल में लाना और योग से अपने पुराने संस्कारों को मिटाना, इसमें मेहनत है, ज्ञान तो सहज है। बाबा भी कहते हैं कि इसको भी समझाना बड़ा सहज है कि बाप को याद करो और वर्से को याद करो, फिर झाड़ और ड्रामा की समझानी भी देनी पड़े जिसके लिए ये चित्र बने हुए हैं। सिर्फ मन मना भव कहने के लिए तो चित्र की दरकार नहीं, चित्रों पर समझाने में घंटा लग जाता है। प्राचीन राज्य भगवान ने सिखलाया और राजाई मिल गई, फिर कोई मनुष्य थोड़ी राजयोग सिखलाएंगे। बाप और वर्से को याद करो तो ठीक है, परंतु यह डिटेल जब तक किसको समझाए नहीं तब तक बुद्धि नहीं खुलेगी, सृष्टि चक्र को समझ नहीं सकेंगे। जब कोई ड्रामा देखकर आते हैं तो वह बुद्धि आदि में अंत तक घूमता रहता है। कहने में तो सिर्फ इतना ही आएगा कि हम ड्रामा को देख कर आए हैं। तुम भी कहते हो हम इस ड्रामा को जानते हैं, परंतु डिटेल तो बहुत है। पाप से सुख शांति का वर्षा मिलता है और बुद्धि में चक्र भी है। 84 का चक्र जरूर घड़ी घड़ी याद करना है। यह ज्ञान ब्राह्मणों को ही मिलता है जो फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण सो विष्णु, फिर विष्णु सो बाबा कहते हैं ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, ब्राह्मण सो देवता बनेंगे और ब्रह्मा सो विष्णु और फिर विष्णु सो ब्रह्मा। तुम जो देवी देवता थे पुनर्जन्म लेते लेते फिर आकर ब्राह्मण बने हैं, है ना ऐसे? हाँ जी बाबा। हद का बाप तो सिर्फ उत्पत्ति पालना करते हैं, विनाश तो नहीं करेंगे ना। विनाश अर्थात सारी पतित दुनिया ही न रहे, सारे रावण राज्य का ही विनाश होना है, नहीं तो राम राज्य कैसे हो? ये तो बात है ना, रावण राज्य जाए तब तो राम राज्य आए, वहां कभी रावण को जलाते ही नहीं, रावण है ही नहीं, विकार है ही नहीं, तो जलाएंगे क्या? मार्ग की कोई भी बात ज्ञान मार्ग में होती नहीं। तुम सत्युग त्रेता में प्रालब्ध भोगते हो, वह है ज्ञान की प्रालब्ध, इनको कहेंगे भक्ति की प्रालब्ध। अल्पकाल क्षण भंगुर सुख, पहले भक्ति अव्यभिचारी थी, फिर व्यभिचारी होते होते बिल्कुल ही दुखी बन जाते हैं। सदगति दाता एक बाप है, यह तो समझाना है कि बाप और वर्से को याद करो। याद किया और स्वर्ग की बादशाही मिली, फिर नरक में कैसे आए, यह सब बातें बैठ समझाई जाती है। अब तुमको सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का पता पड़ गया है, तो इस समय तुम त्रिकालदर्शी बन रहे हो। उनको तुम कहेंगे कि देवताएं भी त्रिकालदर्शी नहीं थे, तो कहेंगे तब कौन थे, क्योंकि संगमयुगी ब्राह्मणों को तो कोई जानते ही नहीं। दिखाते हैं जहां भी सत्संग होता था तो हनुमान जाकर चुतियों में बैठ जाता था। अब यह बात महावीर के लिए क्यों कही, क्योंकि तुम बच्चों में कोई देह अभिमान तो है नहीं, हाँ सेवा के लिए कहाँ भी चले जाएंगे, कोई ऐसा अभिमान है क्या, मेरी तो ये डिग्री है, मेरा तो ये डेसिग्नेशन है, मैं कैसे जाऊं। ने भी शिवरात्रि की सेवा की तो डोर टू डोर गए बाबा का परिचय देने के लिए, प्रोग्राम इंफॉर्मेशन देने के लिए, कोर्स है उसके बाद में 3 दिन का वो बताने के लिए, फिर देह अभिमान रखेंगे तो सेवा कैसे करेंगे, तो बिल्कुल देही अभिमानी बनना है ना। समझो सत्संग में कोई ऐसी बात निकल पड़े तो तुम कह सकते हो प्राचीन सहज राजयोग और ज्ञान से सेकेंड में जीवन मुक्ति लेना है तो फलाने के पास जाओ। समझाने वाले तो बहुत बहादुर निरअहंकारी चाहिए, जरा भी देह अभिमान न हो, कहां भी जाकर बैठे
टाइम मिल जाए तो बोलना चाहिए। मजबूत होगा तो भाषण आदि करेगा कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कैसे सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। परमपिता परमात्मा के सिवाय तो कोई दे न सके, यह महावीर ही समझा सकते हैं। सुनने लिए मना नहीं है। गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हो। बोलो, राजयोग सीखना हो तो ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ। आगे चलकर तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा, मेजॉरिटी हो जाएगी। अभी तो थोड़े हैं, भगाने का नाम। बाबा कहते अभी तो थोड़े हैं, भगाने का नाम भी बहुत है। कृष्ण ने भगाया। अरे भगाने की तो कोई बात ही नहीं है ना, टीचर कब पढ़ाने के लिए भगाते हैं क्या? सर्विस करने वाले को तो बहुत विचार सागर मंथन करना है और बहुत बहादुर बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सभी भक्ति रूपी सीताओं को रावण की कैद से छुड़ाना है। सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। दूसरी पॉइंट है, बाप और वर्से को याद करना है। देह अभिमान छोड़ महावीर बन सेवा करनी है। विचार सागर मंथन कर सेवा की नई नई युक्तियां निकालनी है। निकालते हैं ना सभी नई नई युक्तियां सेवा की, विचार सागर मंथन करके? यदि नहीं तो आज इस पर अभ्यास करना, करेंगे ना ऐसा अभ्यास? हाँ जी बाबा। आज का मीठा वरदान है, नथिंग न्यू की युक्ति द्वारा हर परिस्थिति में मौज की स्थिति का अनुभव करने वाले सदा अचल अडोल भव। ब्राह्मण अर्थात सदा मौज की स्थिति में रहने वाले, दिल में सदा स्वतः यही गीत बजता रहे, वाह बाबा और वाह मेरा भाग्य। बजता है ना? हाँ जी बाबा। दुनिया की किसी भी हलचल वाली परिस्थिति में आश्चर्य नहीं, फुल स्टॉप। कुछ भी हो जाए लेकिन आपके लिए नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। इतनी अंदर से अचल स्थिति हो, क्या क्यों में मन मूंझे नहीं, तब कहेंगे अचल अडोल आत्माएं। आज का स्लोगन है, वृत्ति में शुभ भावना हो, शुभ कामना हो तो शुभ वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। मूल ज्ञान रतन दादियों की पुरानी डायरी से पॉइंट, अब तुम्हें दैवी गुणों की धारणा करनी है। धैर्यवत गुण की धारणा भी निश्चय से होती है और साक्षीपन की अवस्था में ही खुशी है। जब साक्षी होते हैं ना, कोई भी बात से अफेक्ट नहीं होते हैं, एकदम जैसे न्यारे और प्यारे। इस धारणा से ही परमात्मा आपे ही हजार कदम आगे प्रख्यात होता है। बाबा कहता है कि तुम सूक्ष्म में दो कदम नजदीक आओ तो मैं स्थूल में अनेक कदम उठाकर सामने आऊंगा। ज्ञान ही है स्व लक्ष्य में स्थित रहना। स्व में स्थित रहने से ही परमात्मा स्वयं आगे आएगा। बाबा के यह महावाक्य याद कर दो। जितना दैवी गुणों की धारणा करेंगे उतना ही एक दो को सुख देने के निमित्त बनेंगे। आज देना कल मिलना, आज सर्वेंट बन देंगे तो कल मालिक बन राज्य करेंगे। ऐसे है? हाँ जी बाबा। तो वर्ल्ड सर्वेंट हो ना। दूसरी पॉइंट है, हर एक स्व स्वरूप में स्थित हो, अपने रथ अर्थात शरीर को चलाते चलो। जैसे कि इस रथ को मैं बैठ चलाती हूँ,
मैं खिलाती हूँ, मैं सुलाती हूँ, मैं मुख से बात कराती हूँ। अगर मैं मुख से किसी को दुख देती हूँ तो जैसे अपने को ही स्वस्वरूप की इंसल्ट करती हूँ। तो फिर स्व संपूर्ण आत्मा कहती है कि हे जीव आत्मा, तेरे पर अफसोस है। ऐसे इंसान अथवा प्राणी में मैं शुद्ध आत्मा प्रवेश नहीं हूं। स्व शुद्ध आत्मा जिस जगह है उस जगह पर अफसोस नहीं है, क्योंकि वह कभी भी किसको दुख नहीं दे सकता। स्व शुद्ध आत्मा तो सुख स्वरूप है, और ऐसा स्व निश्चय बुद्धि तो सदैव सुख पहुंचाता है। वह साक्षात मेरा स्वरूप है, और जो अपने को स्व आत्मा निश्चय करते भी अन्य को दुख देता है, वह तो सिर्फ कहलाने वाला पंडित है। उनका असर दूसरों पर नहीं हो सकता। बहुत गहीन और डीप बात है कि मेरे द्वारा सभी को सुख ही मिले, संकल्प या स्वप्न में भी दुख नहीं। ये का जो दादी का संदेश था डिविनिटी डे पर, जो दादी का अव्यक्त दिवस मनाया 11 मार्च को, उसमें भी न्यूयॉर्क के मोहिनी बहन द्वारा दादी जी ने यही संदेश भेजा ना, बस दुआएं दो और दुआएं लो। देंगे ना यही अभ्यास को जीवन में प्रैक्टिकल। हाँ जी बाबा। अच्छा, आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए, मैं अचल अडोल हूँ, मैं अचल अडोल हूँ। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।